अंडरस्टैंडिंग, आई ऑलवेज बिलीव हर चीज के लिए पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग प्रेशर एंड पैशन? इट इज अगेन एज आई सेड, इट इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. इट्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो मेरे वर्क भी होगा. सो अंडर प्रेशर क्या हो जाता है? वर्क. अभी वर्क में क्या आता है? आप देखोगे प्रोफेशन, सोशल एंड पर्सनल. यू नो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज अगेन मोस्ट ऑफ अस वी ऑलवेज थिंक माय लाइफ इज माय प्रोफेशन. आई एम द प्रिंसिपल और आई एम द टीचर. नो, यू आर ऑल्सो द मदर और द फादर. यू आर ऑल्सो द वाइफ और द हस्बैंड. यू आर ऑल्सो द डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर और सिस्टर, समथिंग एल्स. बट उस चीज को हम लोग पकड़ते नहीं है एंड सब जड़ तो वहां से शुरू हो जाता है. कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में बोला जाता है इफ अ पर्सन इज नॉट हैप्पी एट होम ही कैनॉट गिव हिज बेस्ट टू द वर्क. तो घर पे पूरा अशांति है, स्कूल में शांति हो सकता है क्या? आई डोंट आई सी दिस टीचर्स कम घर पे पति के साथ झगड़ा वगड़ा करके स्टाफ कॉमन रूम में आते हैं. डोंट टॉक मैन एंड क्लाइम टू द क्लासरूम एंड गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन. व्हाट इज दिस? यू फॉट विद योर हस्बैंड, व्हाई आर यू शाउटिंग एट द चिल्ड्रन इन द क्लास? But we are doing it. We are human beings. So therefore, we need to balance that side. That is why. So work, even at home, is work. Even a homemaker is a working lady. But you often say they are not working ladies. We are the ones who go to school or offices. We are working. So घर का काम क्या? आटा गोंदना भी आपका काम है, कपड़े भिगाना भी आपका काम है, बाइक के पीछे चूचू करना भी आपका काम है, बच्चों को उठाना भी आपका काम है, डब्बा बनाना भी आपका काम है, सभी कुछ है, झाड़ू कटका बर्तन तो है. That you have to keep on doing. That is also so. That also timing has to happen. Then social relationship maintain karna with your family, relatives, neighbors. You have to allot time there also because that also gives you joy. Plus profession to hamara hai hi. Ab what is passion? I call it is completeness. Jahan par mujhe bahut anand milta hai, sukoon milta hai. Complete. Matlab aise lagta hai main sampurna ho gaya. Haan, zindagi has been worth living. To usme bhi professional social hai. Kyunki ghar ka kaam kaaj bhi अगर सही ढंग से नहीं कर पाते कहीं ना कहीं ऑलवेज लेफ्ट टू अस पेंडिंग होता रहता है एंड ऑल पेंडिंग थिंग्स स्टार्ट्स क्रिएटिंग इरिटेशन. पीपल डोंट यू नो माय वाइफ उनका ऐसा होता था शी कुडंट अर्लियर व्हेन शी वाज यंग एवरीथिंग यूज्ड टू बी ऑलराइट. नाउ शी इज आल्सो ओल्ड तो एक साथ में कंप्लीट नहीं कर पाते तो छोड़ के फिर बोलती कि थोड़ा ब्रेक लेती है अगेन. सो आई कीप ऑन टेलिंग हर डोंट बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग मोर स्ट्रेस फॉर यू. क्योंकि वही बर्तन अभी एक ही साथ में आप रख देती तो एक ही साथ में काम खत्म हो जाता था. बट नाउ शी वी हैव लॉट ऑफ डिस्कशन. शी सेड नो बट मेरी तबीयत से नहीं होता. आई सेड देन इन दैट केस यू मस्ट टेक 10-15 मिनट्स एंड सो दैट द चॉइस इज माइन. इट इज अ रिलेटिव, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. जो रूल मेरे लिए हो गया वही रूल आपके लिए होगा. आपका सिस्टम को आपको पता करना होगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू. बट देन इंपॉर्टेंट चीज होता है घर का काम भी उतना ही ले लीजिए जितना आप कंप्लीट कर सकोगे. इसमें पेंडिंग हो जाने के बाद आपको अगर स्ट्रेस देता है सो देयरफॉर इट कैन नॉट हैव. सो सेम थिंग इज विद सोशल रिलेशनशिप्स. बिकॉज अगर सोशल रिलेशनशिप्स में अब ये हाउ टू डू ऑल दैट विल बी कमिंग टू इट अ लिटिल लेटर. सो सेम थिंग इज विद सोशल एंड देन सेम थिंग इज इन प्रोफेशनल. विल कम टू ऑल दोस थिंग्स लिटिल लेटर. देन देयरफॉर कम्स इज हु एम आई, अ मेंटल लुक अपने आप के बारे में व्हिच इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. आई मी माईसेल्फ. आई इज वॉट I am a little philosophical. I ko mai bolta hu is the truth. That main satya hu, that I am there, I have to be there. It is not selfishness. I need to love myself. Me is my strength. Mere andar kya taakat hai, mere capacity kya hai. And myself is mera acceptance. Main apne aap ko swikriti deta hu kya nahi deta hu. To agar main apne aap ko swikriti nahi diya to dusra mujhe kabhi swikriti denge nahi. इट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है. अगेन ये खाली हमको जानना नहीं, दिस इज वॉट वी नीड टू स्प्रेड टू आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो. बट हमारे यहाँ पर कैसा है पता है? अपने आप से जो प्यार करता है वो सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है. ये बिल्कुल गलत बात है. इफ आई एम नॉट ब्यूटिफुल इन माई ओन आइज, हाउ कैन आई बी ब्यूटिफुल इन द आइज ऑफ अदर्स? हो ही नहीं सकता. तो वो मेरे फिजिकल फीचर्स का नहीं है, मुझे अपने आप से प्यार होना जरूरी है. तो उस चीज को पहले करिए और उसी से आपको ताकत आता रहेगा. और ताकत आएगा तो उभरेगा, तो लोग, मैं भी अपने आप को स्वीकार करूंगा, सामने वाला भी मुझे स्वीकार करेगा. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ड्रीम एंड रियलिटी. अनफॉर्चुनेटली हम सभी यहाँ पर जितने बैठे हैं अभी सिवाय मेरे को छोड़ के, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल ड्रीम. नॉट रात का ड्रीम नहीं, फैंटेसी डे ड्रीमिंग करते हो आप लोग? नहीं, रेखा मैम तो विल डू, वी आर इन द सेम बोट.
बट बाकी कोई ड्रीम करता है, इसीलिए तो हम दोनों बुढ़े बुढ़ी कभी होने वाले ही नहीं है। सबसे बुढ़े बुढ़ी हम दोनों हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जवान हैं, क्योंकि वी आर ड्रीमिंग। आज भी हम सोचते हैं हाय हाय वो अभी भी सोचते थे मैं घाघरा झुमका मैं कैसे दिखूंगी, खड़ी रहती है, मैं तो ऐसा राजा का रूप में खड़े होकर मिरर के सामने खड़ा रहता हूँ। आप लोग बोलते काय को दिखने का, अभी क्या शेप रहेगा क्या, ऐसे करके आप लोग खड़ा। घाघरा तो बहुत दूर की बात है, सोच में ही नहीं लाते हो घाघरा तो खरीदोगे कैसे। यू नीड टू ड्रीम, बट वी हैव स्टॉप्ड ड्रीमिंग। We do not allow anybody to dream. But the tragedy, you know, आजकल corporate में every executive is told, please dream and dream big. क्या सत्यानाश है? मैं बोला 40 साल को बोलता सपना देख, 3 साल को बोलता कोई सपना देखने की जरूरत नहीं, टीवी में कार्टून देखा सो जा, कैसे हो सकता है? तो we need to have dream. अगर dream नहीं होगा तो optimism नहीं आएगा, fantasy नहीं होगा तो hopes, aspirations नहीं होंगे। तो अगर hopes, aspiration नहीं होगा तो face क्या हो जाएगा? Constipated face हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट तो थोड़ा सुझ हो जाएगा। हसमुख होना बहुत जरूरी है। चेहरा कौन सा चेहरा देखने को अच्छा लगता है? या आप जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मेरा कोई विजुअल है क्या? अभी मैं यहाँ पर आया तो क्या होगा, ये 70 साल का बुढ़ा टक्कल खड़ा है, और आप लोग आओगे मेजोरिटी ऑफ के पास जवानी है जो मेरे पास नहीं है, बराबर। तो आप लोग आके खड़े होगे, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल विजुअल, सुंदर सुंदर साड़ी पहनी हुई है, लिपस्टिक लगाया हुआ है, काजल लगाया हुआ है, आप खड़े रहोगे तो कुछ फैशन दिखेगा, मेरे में क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए मुझे हंसना ही पड़ेगा ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन, दैट्स द ओनली एलिमेंट। अभी मैं आई विल टीच यू बैलेंसिंग प्रेशर एंड दिस, तो आपका क्या सत्यानाश होगा? बोले कितना देर बात करेंगे, नहीं है वापस में शुरू हो जाएगा बात। हाउ लॉन्ग इज ही गोइंग टू टॉक? ही डिड नॉट स्पेसिफाई वेदर इज गोइंग टू टॉक फॉर 1 आवर और 15 मिनट्स। इफ इट लाइक दिस इज गोइंग टू टॉक फॉर 1 आवर, सत्यानाश है। आगे से वे पे आने का कोई जरूरत नहीं, किसको बोलेंगे नहीं, मन में बोलते रहोगे, इज बट नेचुरल। सो दैट, but because I am going to be positive, I will start, it is just showing in my face. So therefore, but reality ko hata nahi sakte. Sapna dekhke can that sapna be converted into reality? Jab main parents ko bolta hu, you have a right to dream that you will make your son doctor or engineer, but you must also know the reality, usme dam hai kya? मालूम नहीं, वो इंजीनियर हो सकता नहीं कि मैं उसको इंजीनियर बनाऊं, कब करके एडमिशन डलवा दिया, 4 साल का पेपर 12 साल में खत्म होता है, उसके बाद वो सिविल इंजीनियर बनता है, फ्लाईओवर बनाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो दैट ड्रीम हैज नो मीनिंग। यू हैव अ राइट टू ड्रीम, बट वो ड्रीम रियलिस्टिक हो। तो मेरा भी कैपेसिटी क्या है मुझे जानना, दैट विल कम फ्रॉम आई मी माई सेल्फ। इफ आई नो मी, देन आई विल ऑल्सो नो वॉट इज माई कैपेसिटी। सो ऐसा मैं भी कुछ कुछ फैंटेसी दिखता रहता हूँ, बाद में वो तो कभी होने वाला नहीं है। जैसे कभी कभी फैंटेसी दिखता रहता हूँ, राजा तो मैं हमेशा हूँ ही, आई ऑलवेज बिलीव आई एम एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे बुक्स में भी लिखे हुए कि आई एम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व सम्राट हूँ मैं। एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर यू थिंक यू आर द एम्परर? आई सेड या, यू डोंट थिंक? बोलते नो सर। आई सेड डोंट थिंक, तुम मत देखो, आई एम थिंकिंग, आई बिलीव आई एम द एम्परर। तुमको नहीं लगता मत लगने दो, मेरा क्या जाता है? तुमको लगता है कि तुम भिखारी, तो तुम भिखारी के जैसे बैठो, आई एम द राजा, बट खत्म। सो दैट नोबडी कैन स्टॉप, बट आई ऑल्सो नो दैट दैट इज फैंटेसी। रियल राजा तो मैं बनेगा नहीं, लेकिन चल तो सकता हूँ ना राजा जैसा, भिखारी जैसा चलने की तो जरूरत नहीं है ना। आई कैन सिट ऑल्सो लाइक अ किंग। यू विल नोटिस सम ऑफ अस आर ऑलवेज सिटिंग लाइक दिस। क्यों सिनातान के क्यों नहीं बैठ सकते? बैठा तो तभी प्रिंसिपल दिखता है ना। देखो प्रिंसिपल बनने का खाली प्रिंसिपल का डिग्री या कुर्सी से नहीं, कुर्सी में बैठते हो कैसे उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। हाउ आर यू सिटिंग ऑन द चेयर? और प्रिंसिपल कैबिन में कोई आया, यस कम इन, तो बोले सत्यानाश किसको बैठा है? सही बात है कि नहीं? जो नए नए बैठी है, पहले पहले जब प्रिंसिपल, मेरे को याद है जब छोटे छोटे आप लोग प्रिंसिपल बने कितनी डरती थी ना, सच्ची सच्ची बताइए। बताया है, मैं तो अभी प्रिंसिपल बनी, मैं प्रिंसिपल बनी। अभी आज देखो मैं, बट होना ही चाहिए, दैट इज फॉर बिकॉज दैट्स द ऑरा। तो देयरफॉर रियलिटी देखिए, माय प्रायोरिटीज, तो प्रायोरिटी एंड लिस्टिंग होता है, जो क्या मैं करूँगा हर चीज़ लिस्ट होना चाहिए, फिर उसमें पहले क्या करूँगा। तो मेरे प्रायोरिटीज में क्या आता है, प्रोफेशनल सोशल एंड पर्सनल में? आई थिंक सबसे पहला, कैन एनीबॉडी टेल मी आउट ऑफ प्रोफेशनल सोशल एंड पर्सनल व्हिच शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी? आंसर करिए, पर्सनल। थैंक यू मैडम। व्हिच स्कूल आर यू फ्रॉम? अच्छा, पर्सनल इज द मस्ट, बिकॉज जिसका पर्सनल चीज ठीक नहीं है उसका बाकी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। पर्सनल में कम्स योर वेदर द शेड ऑफ द लिपस्टिक एंड प्रॉपरली अप्लाइड ऑल्सो, एंड आई कैन मेक आउट दैट यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ड्रेसिंग। इट्स अ मस्ट, बिकॉज टूडे देर इज समथिंग कॉल्ड GQ, यू नो, ग्लैमर क्वेश्चन। यू मस्ट क्रिएट अ ब्रांड अबाउट योर सेल्फ कि मेरे को देखनी, आँख बंद करेगा तो ऐसे आ रहा है। मेरा था, मेरा साधना कट हुआ करता था एक जमाने में, इधर बाकी टकल तो यहाँ पर खाली बाल हुआ करता था, बट आफ्टर माई मदर्स डेथ दैट ऑल्सो वेंट ऑफ।
तो नाउ दिस इज माय यूएसपी. पहले ये साधना का यूज्ड टू बी द यूएसपी, यू नो द यूनिक सेलिंग पॉइंट बोला जाता है उसको. तो कोई भी मेरा फोटो में अभी भी दिखेगा, इधर दिखेगा साधना काट, आप देखना हर जगह में लेटेस्ट फोटो जो सब जगह में वही वाला फोटो चल रहा है अभी भी. ओके एनीवे, सो नो इट्स अ पॉइंट एंड आई फील वेरी प्राउड. और कितना मैं खुद ही उसको देखता था, उन जमाने में 100 रुपया लगता था टू मेंटेन दैट, यू नो. यस, जितने देखो आप लोग का बाल तो एक ही छा काट दो, मेरा तो बाल काटने के लिए भी उसको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज जरा सा भी इधर सुधर हो जाए ज़्यादा टक्कल दिख जाएगा, इट इज नॉट बी पॉसिबल. ये जो मेरे जो जुल्फे है ना दोनों साइड, उसको कितना बैलेंसिंग करना पड़ता है उसको पता है, क्योंकि ये साइड में उसको मार्किंग दिया, देखो इधर एक तिल है, इसका जो बॉर्डर है उसी में से आपको ऐसा करके फिर, तो ऑफकोर्स इज अ रेगुलर बार्बर ऑफ माइंड, तो नाउ ही नोज. वो कभी भी चेंज हो जाता दूसरा तो मैं बोला खबरदार, बोलता हाँ सर इंस्ट्रक्शन आ गया एकदम यहाँ तक की मार्किंग, पहले वो मार्क करता है दोनों साइड में व्हाइट मार्क, फिर उसके बाद होता है. बट यू हैव टू, बट आई एंजॉय ऑल दिस. हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉय व्हेन योर हेयर इज डन? You might go, ah, you know, that, don't you think you're the queen? Oh, I don't feel, my God, I said, thank you. See, immediately ma'am did like this. This is what I'm talking about. Ye nautanki bahut zaruri hai. I always say, teachers and principals must be drama artists. Others, and you know, apne aap ko baar baar aaye na kitna hila. Mere ko kuch nahi hoti thi, kitna hila tha. It's a very important thing, okay? So priority is personal, then social. Then, but does not mean the professional is the last, but that will also be in the priority. But once you complete this, then that should come. But there are compulsions, limitations hai of the position. Means, don't go at home, look, I am the principal, karke apne bete se, abuku se, ya apne pati se nahi baat karna. That is a very wrong thing to do. That is not the compulsion. I mean, we have to switch. No, I know of one child. He said, I can't talk to my mother. I said, why? My mother is the principal. No, my brother, Satyanas. वो माई नहीं बन पाई तो क्या प्रिंसिपल बनेगी? इफ योर चाइल्ड कैन नॉट टॉक टू यू बिकॉज यू आर द प्रिंसिपल, आई थिंक यू हैव फेल्ड एज अ प्रिंसिपल, यू हैव फेल्ड एज अ पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस. क्योंकि इवन इन माई स्कूल माई चिल्ड्रन शुड बी एबल टू टॉक टू मी, वेदर आई एम द प्रिंसिपल और नॉट, इट हैज नथिंग टू डू. ऑल माई टीचर्स एंड माई स्टाफ शुड बी एबल टू टॉक टू मी. अगर मैं इतना ही डराने लग गया सबको तो आई एम डिस्कनेक्टेड, मेरे पास फीडबैक कभी आएगा ही नहीं. इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज रॉन्ग नोशन, गॉन आर द डेज ऑफ मोनार्की. मैं राजा धीराज हूं, आ रहे हैं पधार रहे हैं, ये सब ड्रामा करके आजकल कोई प्रिंसिपल नहीं आ सकता. हाँ, प्रिंसिपल के पैर में ठक 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 चलने का आवाज हो जरूर, वो अथॉरिटी दिखना जरूर, बट दैट प्रिंसिपल हैज टू बी एक्सेसिबल. सो कंपल्शन इज व्हाट? कंपल्शन इज द बैलेंसिंग एक्ट. मुझे एक बार एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, एक बार टीचर बनना है, मुझे वार्म बनना है, मुझे फ्रेंडली बनना है, लेकिन मुझे फ्रेंड नहीं होना है. यू कैन नॉट बी अ फ्रेंड, बट दोस्त नहीं बन सकते, दोस्ती रखना बहुत जरूरी होता था. दैट कनेक्टिविटी, दैट इज माई कंपल्शन, एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. हम लोग यूजली सकम कर जाते हैं उसी पोजिशन में. वी डू नॉट नो वेयर टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, और किधर फंसा. बाद में चलता है देवा देवा भी नहीं बोलना चाहिए था, बोल के तो मैं फंस गया, मैं अभी मेरा क्या होगा. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू, देन देयरफॉर इट इज सेग्रीगेट, उसको डिवाइड करके फिर अपना प्लान बनाने का, फिर उसके ऊपर से वी नीड.